आखिरकार पवन सिंह ने क्यों नहीं विश किया सलमान खान को उनका बर्थडे? भाई सलमान खान को उनका बर्थडे तो हर भोजपुरी स्टार्स ने विश किया, फिर वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, या फिर हो आम्रपाली दुबे, या फिर हो काजल राघवानी, अक्षरा सिंह जैसे कई बड़े भोजपुरी सितारों ने तो सलमान खान के लिए बड़े बड़े शब्दों का यूज़ किया है और उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया है। लेकिन हमारे यंगरी यंगमैन पवन सिंह ने सलमान खान को उनका बर्थडे विश नहीं किया। भाई कुछ अटपटा नहीं लगा आपको? तो चलिए हम बताते हैं कि क्या अटपटा है इसमें। एक्चुअली सलमान खान और हमारे भोजपुरी स्टार पवन सिंह दोनों एक ही माइंड के हैं। भाई जब किसी पे खुश होते हैं तो उन्हें राजा बना देते हैं, और जब किसी से नाराजगी रहती है तो उसे उसकी औकात दिखा देते हैं। और यही बात इनके तेवरों पे भी लागू होती है। जैसे कि सलमान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप अगर नजर डालें तो सलमान खान उन अभिनेताओं में से हैं जो अपने फैमिली मेंबर को छोड़ और स्टाफ के कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ बर्थडे विश जल्दी नहीं करते। और ठीक उसी तरह से हैं हमारे पवन भैया, वो भी अपने फैमिली मेंबर को छोड़ और तो और अपने स्टाफ के कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ बर्थडे विश नहीं करते। दोनों का एटीट्यूड भी सेम है। जी हाँ, ये दोनों एक ही एटीट्यूड के पर्सन हैं, तभी तो ये दोनों सेम राशि भी शेयर करते हैं। जी हाँ, ये दोनों मेष राशि यानी कि इंग्लिश के एरिस हॉरोस्कोप को शेयर करते हैं। जी हाँ, इन दोनों की राशियां सेम होने के कारण इन दोनों के नेचर में काफी सिमिलैरिटी भी है। अब देखिए कितने दबंग एक्टर हैं हमारे सलमान खान बॉलीवुड के, ठीक उसी तरह से भोजपुरिया का कोई दबंग है तो कोई और नहीं पवन सिंह है। वैसे भी पवन सिंह को एटीट्यूड का बेताज बादशाह माना जाता है। कहा जाता है कि उनका मूड जब तक ठीक है तब तक सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब उनका मूड सही नहीं है तब कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से सलमान खान का मूड है तो सब कुछ अच्छा है, वरना वो अच्छो अच्छो की बैंड बजाने में देर नहीं लगाते जब उनका मूड खराब हो जाता है। ऐसी कई कहानियां सलमान खान के बारे में मिलती है कि वो शूटिंग पर लेट पहुंचते हैं, और ऐसी कई कहानियां तो भाई पवन सिंह के बारे में भी मिलती है। ये दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों को कैसिनोवा कहा जाता है। इनकी पॉपुलरिटी जेंट्स से ज्यादा लेडीज में है, यानी कि इनकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बस सलमान ने शादी नहीं की और पवन ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन शादियां की। वो बात और है कि पवन की दो असफल शादियां थी। बॉलीवुड में सलमान एक प्रॉफिटेबल एक्टर के रूप में देखे जाते हैं, सेम वही पवन सिंह भी भोजपुरी जगत में एक प्रॉफिटेबल एक्टर के रूप में देखे जाते हैं। भाई इन दोनों में एक चीज और कॉमन है, जब इन दोनों की पर्दे पर एंट्री होती है तो दर्शक तालियों के साथ साथ सीटियां भी बड़ी जोरदार मारते हैं। तो ठीक इनके साथ भी ये होता है, जब ये दोनों गुंडों की पिटाई करते हैं तब भाई लड़कियां अपना दिल हार जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पवन सिंह के बर्थडे पर लड़कियां भी खून से लिखा हुआ लेटर देती हैं, और पवन सिंह के जो फैंस हैं उनका नाम अपने हथेली पर खून से लिखते हैं। सेम यही सब कुछ सलमान खान के साथ भी होता है। अब भाई कितनी सिमिलैरिटी चाहिए सलमान और पवन में आपको, शायद सुबह से शाम हो जाए ये बताते बताते। खैर कोई बात नहीं, कुछ अच्छा था तो हमने आपसे शेयर कर दिया। यकीन है अगर आपको अच्छा लगे तो आप और शेयर कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।